हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी या फिर लेटरल फ्लो इम्यूनो एसे के नाम से जिसे जाना जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी या फिर लेटरल फ्लो इम्यूनो एसे क्या है। तो दोस्तों, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी या फिर लेटरल फ्लो इम्यूनो एसे भी इसे हम बोलते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है दोस्तों, ये एक दोस्तों टेस्ट है, रैपिड इम्यूनो एसे टेस्ट है दोस्तों, जिसकी हेल्प से हम डिटेक्शन करते हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का। दोस्तों, क्या डिटेक्शन करते हैं हम? एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं हम? एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का हम क्या करते हैं इसमें डिटेक्शन करते हैं, और हम डिटेक्शन करते हैं प्रोटीन्स का भी। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन्स का भी हम इसमें डिटेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक रैपिड इम्यूनो एसे है जिसकी हेल्प से हम एंटीजेंस, एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स का हम इसमें डिटेक्शन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हमारे लेबोरेटरीज में सारे दोस्तों जो रैपिड का टेस्ट होते हैं दोस्तों, चाहे वो डेंगू का हो, मलेरिया का हो, टाइफाइड का हो, या फिर कोई भी HIV, HBSAG, हेपेटाइटिस बी, सी, जो भी दोस्तों रैपिड कार्ड होते हैं, जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो कोविड के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे रैपिड कार्ड टेस्ट अभी चल रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे रैपिड कार्ड टेस्ट अभी परफॉर्म कर रहे हैं लेबोरेटरीज में। तो दोस्तों, वो सब जो रैपिड कार्ड जो बने होते हैं दोस्तों, वो डिटेक्शन के लिए होते हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ के या फिर प्रोटीन्स के लिए। तो दोस्तों, उसी जो उसका जो 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 रैपिड कार्ड है दोस्तों, आपने जब देखा होगा उनके अंदर क्या रहता है दोस्तों, एक इस टाइप की बनी है हमारी रैपिड कार्ड, इस टाइप की आती हैं दोस्तों। दोस्तों, उसमें एक सैंपल होल होता है दोस्तों, जहाँ पर हमें सैंपल डालना होता है, और एक दोस्तों यहाँ पर विंडो होती है दोस्तों, जहाँ पर हमें रिजल्ट दिखता है, यहाँ पर लिखा होता है सी कंट्रोल लाइन टी टेस्ट करके। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ये एक प्लास्टिक का बना हुआ आता है दोस्तों, और उस जब आप उसको खोल के देखते हैं दोस्तों, जब इस रैपिड कार्ड को आप खोल के देखते हैं तो इसके अंदर एक स्ट्रिप होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा दोस्तों, इस रैपिड कार्ड के अंदर जब आप खोल के देखते हैं तो इसके अंदर एक स्ट्रिप होती है दोस्तों। ठीक है, इस तरह की स्ट्रिप होती है। ठीक है, पूरा जो टेस्ट डिपेंड करता है इस स्ट्रिप पर ही डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो कार्ड है बाहर से जो प्लास्टिक का बना है, जो खाली कवरिंग है उसकी, स्ट्रिप की जो मेन फंक्शन है इस स्ट्रिप का है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, जो हमारा इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी है जिसे हम बोल रहे हैं, या फिर लेटर फ्लो जिसे हम इम्यूनो एसे जिसे हम बोल रहे हैं दोस्तों, उसमें होता क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक स्ट्रिप्ड बेस्ड टेस्ट है। क्या है? स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट है, और इसमें क्या लगा रहता है दोस्तों, ये जो ये स्ट्रिप है इसके ऊपर क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी पैड। ठीक है, जो ये स्ट्रिप है दोस्तों, इसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी पैड लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, ये क्रोमेटोग्राफी पैड दोस्तों तीन रीजन्स में बटी रहती है। ठीक है दोस्तों, ये तीन रीजन्स कौन कौन, जोन जिसे हम बोल सकते हैं, तीन जोन होते हैं दोस्तों इस क्रोमेटोग्राफी पैड के, जो इस स्ट्रिप के ऊपर लगी रहती है क्रोमेटोग्राफी पैड, उसके तीन रीजन्स होते हैं या फिर तीन जोन बोल सकते हैं। पहला जोन जो होता है दोस्तों, सैंपल पैड। ठीक है, यहाँ पर हम सैंपल डालते हैं। ठीक है, ये सैंपल जहाँ से हम डालते हैं उसके नीचे सैंपल पैड होता है। ठीक है, तो जब थोड़ा सा आगे, जब हम सैंपल पैड से थोड़ा सा आगे, जब यहाँ पर कहीं पर दोस्तों, आपने कभी खोल के देखा होगा तो पिंक कलर का सा दिखता है वहां पर वो जोन, उसे हम बोलते हैं कंजुगेट पैड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों ये दिख नहीं रहा है, वो दिख दोस्तों, ये वो क्या होता है दोस्तों, कंजुगेटेड पैड।
कंजुगेट पैड। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है कंजुगेट पैड। ठीक है, जब आप थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो आपको दिखता है, जहाँ पर हमारे टेस्ट और कंट्रोल लाइन दिखती है, तो ये किसका बना होता है दोस्तों? ये बना होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का, नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है, लोज का बना होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का बना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख आपने देखा होगा एक टी करके टेस्ट लाइन होती है, एक सी करके कंट्रोल लाइन, और दोस्तों और लास्ट जोन जो होता है दोस्तों इसका, ये होता है एब्जॉर्बिंग पैड, एब्जॉर्बेंट पैड। ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्बेंट पैड होता है, जितना भी हम जो सैंपल डाला और जो बफर डाला हमने, वो लास्ट में जाके यहाँ पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इसके जोन है, जो क्रोमेटोग्राफिक पैड है दोस्तों, इसके क्या है, ये जोन है, ये क्रोमेटोग्राफी के जोन है, जो ये स्ट्रिप है इसके ऊपर क्रोमेटोग्राफिक पैड लगे रहते हैं दोस्तों। जो पैड होता है दोस्तों, उसमें तीन रीजन होते हैं, जो पहला रीजन होता है या फिर जोन होता है वो सैंपल पैड होता है, और दूसरा रीजन जो होता है कंजुगेटेड पैड होता है, और उसके बाद दोस्तों एब्जॉर्बिंग पैड होता है, और इसे जो हम चौथा भी बोल सकते हैं। तो इस यहाँ पर दोस्तों ये टेस्ट विंडो है, जहाँ पर ये नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया है, तो दोस्तों जो सैंपल पैड है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको सैंपल पैड दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, सैंपल पुट करते हैं, यहाँ पर सैंपल हम डालते हैं। ठीक है, और ये किसका बना होता है दोस्तों? ये बना होता है दोस्तों ग्लास फाइबर्स। ठीक है, ग्लास फाइबर्स या फिर सेल्यूलोज, और या फिर ये बना रहता है दोस्तों ये मेनली ग्लास फाइबर और सेल्यूलोज का ही बना रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जब आप आगे को देखते हैं, जो सैंपल पैड है यहाँ पर हम सैंपल डालते हैं। देखिए ये होल है ना, इसके नीचे ही रहता है ये सैंपल पैड, जो स्ट्रिप है इसके नीचे रहती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक का ये पूरी स्ट्रिप बिछी रहती है दोस्तों, पूरी स्ट्रिप लगी रहती है इस प्लास्टिक को आप खोल के देखेंगे जब। तो जो ये होल है दोस्तों, जहाँ से हम सैंपल डाल रहे हैं, सैंपल वेल जिसे हम बोलते हैं, जब हम सैंपल डालते हैं तो सैंपल कहाँ पर जाके गिरता है, इस सैंपल पैड पर। इस सैंपल पैड में क्या होता है दोस्तों, ये सैंपल पैड उसको आगे को ट्रांसफर करता है, उसके बाद ये ट्रांसफर करता है यहाँ पर, कंजुगेटेड पैड है उसके बाद। देखिए कौन सा पैड है, कंजुगेटेड पैड। ये कंजुगेटेड पैड क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर कंजुगेट होते हैं कोलाइडल पार्टिकल से ये लेबल्ड होती है क्या, यहाँ पर एंटीबॉडी यहाँ पर है। ठीक है, तो वो किससे कोडेड रहेंगी दोस्तों, कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, इस तरीके से ये कंजुगेटेड रहती हैं, कोलाइडल पार्टिकल से लेबल्ड रहती हैं ये वाली एंटीबॉडी। जो कंजुगेटेड पैड में एंटीबॉडी है वो किससे कंजुगेटेड हैं, लेबल्ड हैं, ये हैं कोलाइडल पार्टिकल से, किससे, कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल। ठीक है, कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल से। ठीक है, ये क्या है, कंजुगेटेड है। ठीक है, जो ये कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल होते हैं दोस्तों, ये क्या है, एक कलर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कलर एजेंट होते हैं, कलर फॉर्म करने वाले एजेंट होते हैं दोस्तों, क्रोमोजेंस होते हैं एक टाइप के। ठीक है, जो कलर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों, कलर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बाकी इनका कोई काम नहीं होता दोस्तों, केवल ये कलर फॉर्मेशन करते हैं कि जो रिएक्शन है उसको विजुअलाइज कर सकें हम, उसे देख सकें हम, ये कलर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो कलर का फॉर्मेशन देखा होगा आपने, जब टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन आती है पिंक कलर की, तो इनकी वजह से आती है दोस्तों, इनके कलर जो होता है उसकी वजह से यहाँ पर लाइनें शो होती हैं हमको। ठीक है, तो यही काम होता है इनका, जो कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल दोस्तों होते हैं, एक प्रकार की डाई होती है दोस्तों, जो कलर का फॉर्मेशन या फिर कलर बैंड फॉर्म करती है। ठीक है दोस्तों, जब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है तो आपस में जब जुड़ते हैं वो, तो यहाँ पर कलर फॉर्म होने लगता है। ठीक है, ठीक, तो ये जो एंटीबॉडी है वो किससे वो है, कोलाइडल पार्टिकल से क्या है, लेबल्ड है। ठीक है, और यहाँ पर हमने पेशेंट का सैंपल यहाँ पर ऐड करते हैं, तो ये आई को मूव करता है। ठीक है, तो ये सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, मिटा रहा हूँ दोस्तों।
तो और देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है जब ये टेस्ट मूव करता है आगे को, तो ये जो ये टेस्ट लाइन है दोस्तों, ये टेस्ट लाइन, ये किस, ये कैप्चर्ड एंटीबॉडीज यहाँ पर हमारी लगी रहती है। कैप्चर्ड एंटीबॉडीज यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, लगी रहती है, ठीक है। ये कैप्चर एंटीबॉडीज है यहाँ पर लगी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये एंटीबॉडीज है, ये कैप्चर्ड एंटीबॉडीज है, ठीक है। कैप्चर की हुई एंटीबॉडीज यहाँ पर लेबल रहती है, ठीक है, यहाँ पर लगी रहती है, लगी रहती है। और फिर जाके जो कंट्रोल लाइन है दोस्तों, यहाँ पर सेकेंडरी एंटीबॉडीज कैप्चर्ड होती है। कौन सी एंटीबॉडीज? सेकेंडरी एंटीबॉडीज, ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी एंटीबॉडीज कैप्चर रहती है, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, जब यहाँ पर पेशेंट का, माना पेशेंट के सैंपल में कोई एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, माना हम हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माना पेशेंट के सैंपल में हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन है, ये पेशेंट का सैंपल है, मैंने सैंपल डाला ये सैंपल पैड में और सैंपल पैड ने उसको आगे को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ये आगे को जो मूव करता है वो बाय कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करता है आगे को, जो हमारा सैंपल मूव करता है दोस्तों, वो बाय कैपिलरी एक्शन की तरह एक्शन से मूव करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने पेशेंट का सैंपल डाला, पेशेंट के सैंपल में माना हेपेटाइटिस बी, HBSAG, माना हम HBSAG का कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है, रैपिड कार्ड। तो उस माना पेशेंट के सैंपल में हेपेटाइटिस बी का एंटीजन था, तो जैसे ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ, जैसे ये मूव हम सैंपल ऐड करेंगे, तो ये सैंपल पैड क्या करेगा, उसको आगे को मूव करेगा। जब ये कंजुगेटेड पैड में जब ये एंटीबॉडी, सॉरी ये एंटीजन पहुंचेगा, तो इसके साथ ही क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। किसके साथ? इस एंटीजन के साथ क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, इसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये बन गया, ठीक है। तो जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आगे को मूव करेगा, फिर इस नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन में, जहाँ पर जिसे हम टेस्ट विंडो या रिजल्ट विंडो बोल रहे हैं, तो ये आगे को जैसे ही मूव करेगा, तो यहाँ पर जो एक, जैसे ही टेस्ट लाइन में पहुंचेगा, जहाँ पर क्या है, कैप्चर एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, कैप्चर एंटीबॉडीज हैं यहाँ पर, इस कैप्चर एंटीबॉडी के साथ ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये कैप्चर जो ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये इस एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ये एंटीजन, ये देखिए, ये क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका कोलाइडल पार्टिकल, ये इसके साथ बाइंड कर गया, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ये एंटीबॉडी लेबल्ड एंटीबॉडी है, लेबल एंटीबॉडी, ठीक है, लेबल्ड एंटीबॉडी है, ठीक है, लेबल वाले, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या बनेगा, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो जैसे ही ये मिलेंगे तो रिएक्शन होती है, और ये जो पार्टिकल हैं, ये जब ये पार्टिकल यहाँ पर कलर का फॉर्मेशन करते हैं, इसी की वजह से जैसे ही ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ये क्या होता है यहाँ पर, एक रेड कलर की या फिर पिंक कलर की हमें लाइन अपीयर होती है। कब होती है दोस्तों ये, जब पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ये आगे को मूव करेगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ, ये एंटीजन बाइंड करेगा इस एंटीबॉडी के साथ जो कंजुगेटेड है कोलाइडल पार्टिकल से। तो उसके बाद ये आगे को मूव करेगा, तो यहाँ पर पहले से ही कैप्चर एंटीबॉडी है, ठीक है दोस्तों, जो कि स्पेसिफिक है इस एंटीजन के लिए, इसके लिए जो इसके यहाँ पर लगा है सरफेस में, जो इस एंटीबॉडी के साथ जुड़ा है, इस एंटीजन के लिए, जो पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन है उसके लिए स्पेसिफिक है जो टेस्ट लाइन में कैप्चर एंटीबॉडी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब ये कॉम्प्लेक्स आगे को मूव करता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर जो कैप्चर एंटीबॉडी के साथ क्या है, वो जुड़ जाएगा। तो ये जैसे ही एंटीजन यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर जाके दोस्तों यहाँ पर क्या होता है,
एक लाइन हमें पिंक कलर की अपियर होने लगती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? ठीक, फिर दोस्तों जो बाकी एंटीबॉडीज हैं जो इन यहाँ पर बाइंड नहीं हुई, जो एक्सेस हैं, वो आगे को मूव करेंगी और यहाँ पर जो दोस्तों हमारा कंट्रोल लाइन है वहाँ पर जाकर बाइंड कर जाएंगी। ठीक है, ये क्या कर जाएंगी, यहाँ पर जाकर क्या कर जाएंगी, बाइंड कर जाएंगी। ठीक है, कहाँ पर, कंट्रोल लाइन में। ठीक है, कंट्रोल लाइन में क्या कर जाएंगी, बाइंड कर जाएंगी। ठीक है, इस कंट्रोल लाइन में बाइंड कर जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, और जो बाकी एक्सेस पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर अब्जॉर्बेंट पैड में जाएंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब दोस्तों हमारा रिजल्ट क्या है, किस कंडीशन में है, जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या, पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है, हेपेटाइटिस बी सर्विस एंटीजन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, टेस्ट लाइन पर भी लाइन अपेयर होगी, कंट्रोल लाइन में भी लाइन अपेयर होगी। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये कैप्चर एंटीबॉडी है दोस्तों, ये किसके लिए स्पेसिफिक है, इस एंटीजन के लिए जो ये पेशेंट की सैंपल में है। और जो यहाँ पर कैप्चर एंटीबॉडी है जो कंट्रोल लाइन में है, इसे सेकेंडरी एंटीबॉडीज भी हम बोलते हैं, माउस एंटीबॉडीज भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी एंटीबॉडी या माउस एंटीबॉडी। ठीक है, माउस ए बी एंटीबॉडी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल लाइन में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कंट्रोल लाइन में एंटीबॉडी है, कैप्चर एंटीबॉडी या फिर जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, वो स्पेसिफिक होती है ये लेबल्ड एंटीबॉडी के लिए, जो यहाँ पर लेबल्ड है कंजुगेटेड पैड में दोस्तों, इसके लिए स्पेसिफिक होती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जब हमारा टेस्ट निगेटिव भी होता है तब भी कंट्रोल लाइन आती है, पॉजिटिव होता है तब भी कंट्रोल लाइन आती है। तो इसका रीजन यही है दोस्तों, यहाँ पर देखो हमारे पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, ठीक, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। ठीक है, कैप्चर एंटीबॉडी वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, कोई एंटीबॉडी एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि वो एंटीजन के लिए स्पेसिफिक था ये कैप्चर एंटीबॉडी, तो यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं सैंपल में। तो क्या होगा, ये तो मूव करेगा ना, जब हम सैंपल डालेंगे ये तो मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करेगा, ये मूव करते करते यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर कोई एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीजन नहीं है, क्योंकि एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, जो पेशेंट के सैंपल में एंटीजन है उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कैप्चर एंटीबॉडी कंट्रोल लाइन में है। तो ये जो एंटीबॉडी है, ये जो कंजुगेटेड एंटीबॉडी है या फिर लेबल एंटीबॉडीज है कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल से, वो आगे को मूव करेगी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी क्योंकि उसके साथ एंटीबॉडी एंटीजन नहीं जुड़ा है। तो आगे को मूव करेगी, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा वो, और आगे मूव करेगी तो यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो स्पेसिफिक है ना, ये जो ये कैप्चर कंट्रोल लाइन वाली एंटीबॉडीज है, जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज से हम बोल रहे हैं, वो इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। ठीक है, तो दोस्तों तो ये यहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, और यहाँ पर हमें कलर फॉर्मेशन दिखता है दोस्तों, पिंक कलर का कलर फॉर्मेशन दिखेगा और यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये निगेटिव के केस में, ठीक है, ये निगेटिव के केस में ऐसा हो रहा है। और पॉजिटिव के केस में जैसे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पर लाइन अपियर हो रही थी और यहाँ पर हमारे क्या था, कैप्चर एंटीबॉडी, सॉरी यहाँ पर क्या थी, कैप्चर एंटीबॉडी थी। जब यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स आया एंटीजन एंटीबॉडी, यहाँ पर पेशेंट के सैंपल में एंटीजन था तो यहाँ पर वो इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, इसके साथ जुड़ के वो सीधे आगे को मूव किया, तो इस एंटीजन ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दिया इन्होंने, क्या बनाया, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर हमें कलर लाइन अपियर होती है, पिंक कलर की एक बैंड अपियर होता है यहाँ पर, तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें शो करता है। ठीक है, ठीक, ये है दोस्तों इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, जो हमारी लेबोरेटरीज में जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं दोस्तों, तो वो इसी पर बेस्ड जो होते हैं दोस्तों। और जो क्रोमेटोग्राफी है दोस्तों, इसका बहुत जो ये सॉरी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी या फिर लेटर फ्लो इम्यूनो ऐसे है, वो जितने भी रैपिड कार टेस्ट होते हैं दोस्तों, सारे लगभग इसी पर बेस्ड होते हैं, क्रोमेटोग्राफी पर। ठीक है दोस्तों, स्ट्रिप्ड बेस्ड टेस्ट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे रैपिड कार्ड आते हैं, चाहे वो डेंगू मलेरिया का हो, टाइफाइड का हो, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी, कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट हम अगर रैपिड टेस्ट कर रहे हैं तो वो उनमें इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी पैड लगी रहती है। ठीक है, और वो स्ट्रिप बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रैपिड इम्यूनो ऐसे बोला जाता है। रैपिड इम्यूनो ऐसे का मतलब होता है दोस्तों, मतलब हमें कुछ मतलब 15 से 20 मिनट में हमें या फिर आधे घंटे में हमें इसका रैपिडली मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने रैपिड टेस्ट करते हैं लेबोरेटरीज में, जैसे कोविड का टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसका आधे घंटे में दोस्तों एंटीजन टेस्ट या फिर एंटीबॉडी टेस्ट आप करते हैं तो आधे विद इन हाफ आवर में हमें
रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बताना इसमें भूल गया दोस्तों, इसको आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था दोस्तों, वो क्या था दोस्तों, वो था दोस्तों जो हमारा इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी है दोस्तों, ये दो प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, एक तो सैंडविच ऐसे, दूसरा है दोस्तों कॉम्पिटिटिव ऐसे। ठीक है दोस्तों, सॉरी ऐसे। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल पर काम करता है। जो मैं अभी मैंने जो आपको बताया दोस्तों, जो हेपेटाइटिस बी का एग्जांपल देके मैंने बताया, वो सैंडविच ऐसे पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा, वो सैंडविच ऐसे का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी इस्तेमाल होता है लेकिन कम होता है, लेकिन ज़्यादा से हमारे जो रैपिड कार्ड होते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उनमें सैंडविच का होता है। तो दोस्तों आप सैंडविच ऐसे का मतलब समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो जो होगा दोस्तों, उस पर मैं आपको जो हेपेटाइटिस बी सर्विस एंटीजन है और अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया था, उसमें दोस्तों एंड सिग्मा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें हम ये क्या है, स्ट्रिप्ड बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों, जिसे हम रैपिड इम्यूनो ऐसे भी बोलते हैं। और जिस जो स्ट्रिप होती है उसमें क्या लगा रहता है, क्रोमेटोग्राफिक पैड लगी रहती है, जिसमें तीन रीजन होते हैं, सैंपल पैड, कंजुगेटेड पैड और हमारा रहता है अब्जॉर्बिंग पैड। तो दोस्तों जो सैंपल पैड है, वहाँ पर हम जब सैंपल डालते हैं तो वो आगे को मूव करता है, कंजुगेटेड पैड के पास ट्रांसफर करता है। जो कंजुगेटेड पैड है दोस्तों, वहाँ पर एंटीबॉडीज लगी रहती हैं। ठीक है, और अगर एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं तो एंटीबॉडीज लगी रहेंगी, अगर एंटीबॉडीज का डिटेक्शन कर रहे हैं तो एंटीजन लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो कंजुगेटेड पैड है उसमें कौन लगा रहेगा, एंटीबॉडी। ठीक है, लेबल्ड एंटीबॉडी, इससे लेबल्ड होंगी कोलाइडल पार्टिकल से, कोलाइडल पार्टी गोल्ड पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हम एंटीबॉडीज का डिटेक्शन कर रहे हैं तो एंटीजन से क्या होगी एंटीबॉडीज का हम डिटेक्शन कर रहे हैं तो वो एंटीजन से क्या होगी, कोडेट होगी। ठीक है दोस्तों, कंजुगेटेड पैड में क्या होगा, लेबल्ड होगा एंटीजन, किससे, कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल से। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत करना दोस्तों। अगर आप एंटीजन का डिटेक्शन करें तो एंटीबॉडी क्या कहते हैं, वहाँ पर लेबल्ड होंगी कंजुगेटेड पैड में। जो देखिए दोस्तों, ये हमारे दो रीजन थे, यहाँ पर था हमारा कंजुगेटेड पैड। ठीक है, ये सैंपल पैड। ठीक है, ये एब्जॉर्बिंग पैड। ठीक है, तो दोस्तों जब हमने सैंपल डाला एंड माने मैं एंटीजन का डिटेक्शन कर रहा हूँ, एंटीबॉडीज का, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी एंटीजन से क्या एंटीजन होगी यहाँ पर, और उसके साथ किससे लेबल्ड होगा वो एंटीजन, कोलाइडल पार्टिकल से। ठीक है, ये कोलाइडल पार्टिकल का काम क्या है, ये क्या करता है, हमें जो लाइन विजुअलाइज होती है दोस्तों, हमको उसे इसी की वजह से होती है। ठीक है, जो कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन जो हमें दिखती है, या फिर आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा रहता है IgM, IgG और कंट्रोल एंटीबॉडीज का, IgM एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी का डिटेक्शन करनी होती है, तो ऐसे भी रहता है, हमें लाइन जो अपीयर होती है वो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कलर फॉर्म करती है, एक डाई टाइप की है दोस्तों, ये कलर फॉर्म करती है तब हमें ये लाइन अपीयर होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो आगे को मैं जब अभी आपको जो रैपिड कार्ड है उनको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसके बाद में शायद हेपेटाइटिस बी मैं बनाऊंगा कि जिस पर सैंडविच ऐसे प्रिंसिपल काम करता है, वो कैसे उस पर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं और कैसा उसका क्या प्रिंसिपल है, उसका सैंडविच ऐसे का प्रिंसिपल कैसे कार्य करता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सैंडविच ऐसे कॉम्पिटिटिव ऐसे ये क्रोमेटोग्राफी के जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर ही है दोस्तों, ये प्रिंसिपल के बेस पर दोस्तों इन्हें सैंडविच ऐसे और कॉम्पिटिटिव ऐसे से में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपके लिए हेल्पफुल बना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को,
और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।